ये हरी धनिया है, एक गड्डी मैंने लिया है। इस समय सस्ती है और बहुत ही प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है। तो इससे हम लोग एक नई रेसिपी बनाएंगे आज। इसकी बनाएंगे हम मुंगौड़ी। तो चलिए इसको हम साफ़ करके अच्छे से और धो लेते हैं। इसको मिक्सर में डाल के हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे। थोड़ी सी एक मुट्ठी हम भुनी हुई चने की दाल डाल के पीस लेंगे। एकदम फाइन पीसने के लिए हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा। तरीके से हमने पीस लिया। उबलेंगे चार आलू, इनको हम मैश करके इसमें डालेंगे। एक चम्मच जीरा पाउडर, ज़रूरत के अनुसार हम चावल का आटा डालेंगे। स्वाद अनुसार हम मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हींग, और इनको मैश कर लेंगे अच्छे से। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, और ये जो हमने छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाई हैं उनको हम थोड़ा सा डीप फ्राई कर लेंगे। आपको जो साइज चाहिए, जो डिज़ाइन चाहिए आप दे सकते हैं, और जितनी आए एक बार में उतना ही उसको डालना है और अच्छे से सिकने देना है धीमे फ्लेम पर एकदम। ये देखते हैं एक तरफ हुई कि नहीं हुई, और इस तरीके से हम होने लगे हैं। थोड़ी सी देखिए सुनहरी हो गई है, हम धीरे से पलट लेंगे। अब इनको दूसरी तरफ भी अच्छे से सीखने देती हैं। दोनों तरफ हमारी ये टिक्कियाँ अच्छे से सिक गई हैं, और हम इनको निकाल लेंगे। गैस को धीमा करेंगे और चलिए ये बन के बिल्कुल रेडी तैयार है टिक्कियाँ आपकी। और सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ खाइए, एंजॉय करिए, और हमें बताइए कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नई एक रेसिपी के साथ।